नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आप मैट्रिक या इंटर पास कर लिए हैं या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और फिर भी आप बेरोजगार हैं, आपके पास में किसी भी प्रकार का हुनर नहीं है, किसी भी प्रकार का स्किल नहीं है, तो आपको रोज़गार मिलने में बहुत ही कठिनाई हो सकती है और कभी कभी रोज़गार नहीं भी मिलता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी योजना के माध्यम से आप रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत खुद से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 6 महीने का ट्रेनिंग करना होता है। ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही साथ कमाल की बात है कि आपको 8,000 रुपये भी साथ में दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको खुद से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आपको आगे क्या प्रोसेस होगी, सभी बात मैं इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, और साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहले से वीडियो देख भी रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है PMKVYOfficial.org। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है क्विक लिंक का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से कुछ पेज ओपन हो जाता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं MSDE, NSDC, स्किल इंडिया और उड़ान, तो आपको यहां पे स्किल इंडिया पर क्लिक कर देना है। जैसा ही आप स्किल इंडिया पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देखिए आपको कुछ एनिमेशन चलते हुए दिखाई देता होगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनिमेशन चल रहा है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही गौर से देखना होगा और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा I want to skill myself, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और कुछ देर वेट करना है आपको, फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्म को अच्छी तरह से भर लेना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ से देखिए ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट नेम प्रीफिक्स, यानी कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलता है मिस्टर और MS, यानी कि अगर लड़का आप हैं तो आपको यहां से मिस्टर को सिलेक्ट कर लेना है और लड़की हैं तो MS को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको देखिए यहां पे नीचे फुल नेम का ऑप्शन दिखाई देता है, इसमें आपको कैंडिडेट यानी कि आवेदक का फुल नेम डाल देना है। आपको कुछ इस प्रकार से आवेदक का नाम डाल देना है। आवेदक का नाम डालने के बाद यहाँ से देखिए गार्जियन नेम का ऑप्शन दिखाई देता होगा, इसमें आपको आवेदक के पिता या माता जो भी गार्जियन है उनका नाम यहाँ पे डाल देना है। गार्जियन का नाम डालने के बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए सिलेक्ट जेंडर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर पर क्लिक करेंगे तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है आप यहां से सेलेक्ट कर ले। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद यहां से चाहे तो आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर यहां से आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर अनिवार्य है, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ITI बेसिक लिटरेचरी 12 क्लास पास, बी फार्मा, एम फार्मा, BSc, MSc, बहुत से यहाँ पे एजुकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आप क्वालिफाई किए हैं उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि 6 क्लास मिनिमम होता है, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 6 क्लास तक आप यहाँ से पढ़ाई किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से 10th क्लास को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से लोकेशन डिटेल्स आपको देना होगा। तो यहाँ पे आपको पिन कोड है तो डाल दे, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वायर्ड करूँगा कि पिन कोड को अवश्य ही डाल दें।
फिर यहाँ से आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए भारत के सभी स्टेट का लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लें। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर दिया। फिर नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ से देखिए आपको प्रिफ्रेंस का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको सेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेक्टर पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर, अप्रीवल, ऑटोमोटिव, BFSI, ब्यूटी एंड वेलनेस, कैपिटल गुड, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, कंस्ट्रक्शन, बहुत से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पे बहुत से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जो भी सेक्टर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें। तो चलिए मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स को ही सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेनिंग लेना है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ से देखिए सब सेक्टर का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना चाहते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत से फील्ड होते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, PVC असेंबली, IT हार्डवेयर, यहाँ पे भी बहुत से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप जिसका ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आपको उसमें क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ से सोलर एंड LED पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको देखिए यहाँ से जॉब रोल का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर जॉब रोल पर आपको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सोलर एंड LED पर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ से देखिए LED लाइट डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या काम सीखना चाहते हैं, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सोलर LED टेक्नीशियन पर क्लिक कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको सिंपल सा खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शनल रखा गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन देखने को मिलता होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ट्रेनिंग, यानी कि आपके नज़दीक में जो ट्रेनिंग सेंटर रहता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, आप वहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या पेड कोर्स यानी कि आप पैसा दे करके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपके नज़दीक में कोई रोजगार मेला लगा है वहाँ से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार से। तो मैं यहाँ पे PMVKY ट्रेनिंग यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ट्रेनिंग पर सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक में है तो मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से देखिए टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, इस पर आपको टिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर टिक कर देंगे, फिर यहाँ से I am not a robot पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टिक हो जाता है। टिक होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से देखिए सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा, उस रिसीविंग का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उस रिसीविंग को लेकर के आपको अपने नज़दीक के ट्रेनिंग सेंटर में जाना है और अपने डॉक्यूमेंट यानी कि एजुकेशन का सर्टिफिकेट और साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, क्योंकि पैसा जो मिलेगा बैंक में ही मिलेगा, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे रिसीविंग के साथ में लेकर के जाना है और अपना एडमिशन करा लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके नज़दीक में ट्रेनिंग सेंटर है या नहीं, और है तो कितना है, कैसे आप पता करेंगे। तो उसके लिए आपको फिर से होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद यहाँ देखिए आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देता है, इस 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे देखिए बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए फाइंड ए ट्रेनिंग सेंटर का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देता है सर्च बाई सेक्टर, यानी कि सेक्टर के द्वारा सर्च करना चाहते हैं, सर्च बाई जॉब रोल के द्वारा सर्च करना चाहते हैं, या सर्च बाई लोकेशन के द्वारा आप सर्च करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से सर्च बाई लोकेशन के द्वारा सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा टिक कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सभी स्टेट आपको मिल जाता है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। देन आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होता है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सिलेक्ट करने के बाद
आपको यहाँ पे दो ऑप्शन और दिखाई देता है, इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। और यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे 8 दिखाया जा रहा है। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम मिल जाता है, यहाँ से टीपी नेम यानी कि किस संस्था के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा उसका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ से टीसी नेम भी मिल जाता है, यहाँ से आपको सेक्टर को देखने को मिल जाता है, यहाँ से जॉब रोल यानी कि देखने को मिल जाता है, यहाँ से टीसी पीसी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे उसका डिटेल्स मिल जाता है कि कहाँ पर यह सेंटर स्थित है, किस लोकेशन पर है, और यहाँ से उस सेंटर के संचालक का फ़ोन नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से ईमेल एड्रेस भी उसका मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर उस ट्रेनिंग सेंटर में आपको अपने रिसीविंग और डॉक्यूमेंट के साथ में जा करके और जो है सो अपना एडमिशन करा लेना है। 3 माह का कोर्स होता है, 3 माह का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट और कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद एडमिशन आप करा सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, ये सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जुड़ करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।